गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सभी लोग, होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपकी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है मेरी तरह। तो अभी आ चुके हैं मैं कॉलेज और क्लास में कोई नहीं है क्योंकि मैं खाली क्लास देख के बैठ चुकी हूँ क्योंकि आज मेरी क्लास है लेट और मैं आ चुकी हूँ कॉलेज जल्दी क्योंकि यार लेट उठ के ना फिर लेट आने का ना फिर कॉलेज मन नहीं करता। और मैं बहुत सारे ऐसे दिन गए हैं मतलब कि जिस दिन मेरी लेट क्लास होती है और उस दिन मैंने ऑन द स्पॉट सडन कैंसिल कर दी अपनी क्लास की आना रेडी हुई हुई। तो आज इसलिए मैंने डिसाइड करा कि लेट क्लास है भले ही मैं आज जल्दी ही आ जाती हूँ और आज मैं जल्दी आ चुकी हूँ। मुझे ये एंगल ज़्यादा अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने में और पता है मेरा गला भी ख़राब है, मुझे कफ एंड कोल्ड दोनों चीज़ हो चुकी हैं। I mean अभी सही नहीं हुई है, कई दिन हो गए हैं, अब तो थोड़ा रिलीफ है, अब हो जाएगा मुझे लगता है एक दो दिन में सही। और मैं कॉलेज आ चुकी हूँ, मैंने अपने किसी भी क्लासमेट को इन्फॉर्म नहीं करा कि मैं आ गई हूँ कि वो भी मुझे क्या बोलते कंपनी दे दें, अभी नहीं बताया क्योंकि यार वो पीजी वाले हैं तो भी लेट उठेंगे। और अभी दिवाली ब्रेक गया है हमारा, 6 दिन का दिवाली ब्रेक पड़ा था तो दिवाली ब्रेक के बाद अभी कई बच्चे तो अपने घर से ही वापस नहीं आए हैं जो अपने होम टाउन गए थे। सो अभी मुझे पता भी नहीं है मेरी क्लास में कौन आ चुका है कौन नहीं आया है। सो अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और मैंने 6 दिन यार इतने आराम से इतनी छुट्टी हमने आराम से निकाली ना, फेस्टिव वाइब लिया बिल्कुल ही, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है बिल्कुल भी, अपनी किताबें खोल के भी नहीं देखी है, बस एक PPT जो थी ना ऑनलाइन सबमिशन था वो करा है मैंने और मैंने कुछ नहीं करा है। और अब मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि हमारे पेपर बहुत पास आ चुके हैं। सो मैं सोचती हूँ कि अब कॉलेज शुरू हो चुके हैं तो अब अपनी वो जो होती है ना वो वाला माइंड सेट कि यार पढ़ाई 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 करनी है वो वाला वापस लाना होगा, वो मेरा आ ही नहीं रहा यार, जब से स्कूल छुटा है ना कॉलेज में वो वाली वाइब आ ही नहीं रही है। बट फिर भी मैं लाने की कोशिश करूँगी क्योंकि यार पेपर सिर पे आ चुके हैं, थोड़े से पोस्टपोन हुए हैं वो बहुत खुशी की बात है, थोड़े से पोस्टपोन होंगे बट मतलब 3-4 दिन ही 6-7 दिन ही पोस्टपोन हुए, ज़्यादा इतना बड़ा गैप नहीं आया है। और पोस्टपोन से पहले क्या था हमारे पेपर के बीच में ज़्यादा गैप था, मतलब कई कई दिन का गैप था, बट अब क्या हो गया 1 दिन के बाद, मतलब हमारा 1 तारीख को अगर पेपर है तो दूसरा 3 तारीख को है, बस दो तारीख की छुट्टी मतलब ऐसे। और पहले ऐसा था कि अगर 21 तारीख को पेपर है तो दूसरा 27 तारीख को पेपर है, तो सेकंड वाली जो डेट शीट आई है वो थोड़ी हमारे लिए ख़राब है। बट फिर भी थोड़ा लेट हो गया हमारे पेपर, दिसंबर की स्टार्टिंग से शुरू थे बट अब थोड़ा दिसंबर के एंड में शुरू है। सो यस, सुबह मुझे इतनी बच्चे वाली फील आई ना, मम्मी ने मुझे बिल्कुल ढक के भेजा था, पता क्या करके भेजा था, ये जो मैंने दीदी का स्टॉल उधार पे लिया है ना इसका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ, अब याद हो गया स्टॉल, हाँ। सो इसको मेरे सिर पे उड़ा के भेजा कि इसको सिर पे ओढ़, भाई देखो खांसी जुकाम हो रखा है पहले और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, मतलब कि जो छोटे जब मैं छोटी थी जब मैं ऐसे बन के जाती थी मम्मी बिल्कुल पैक करके भेजती थी और वैसे ही एकदम फील आई है, ऊपर से मास्क और चश्मे और लगा लिया मैंने, बिल्कुल ही ऐसे लग रही थी मम्मी ने पैक करके भेजा है इतनी बड़ी लड़की को। जब 8:30 की क्लास होती है ना तो बिल्कुल बाहर भीड़ होती है, बच्चे इतना मतलब रश मचा के रखते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं 8:30 की क्लास, बट आज बड़ी शांति लग रही है विंटर वेकेशन या फिर हम बोल सकते हैं दिवाली ब्रेक के बाद बिल्कुल ही शांति हुई हुई है, बिल्कुल शोर नहीं है आसपास, ये देखो पूरा खाली है। ब्रेक के बाद एकदम आना अजीब सा लगता है यार कॉलेज में इतने दिनों के बाद आना, और इतनी शांति है मतलब बहुत पीसफुल माहौल है, बड़ा अच्छा लग रहा है, शांति 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 है, वरना यार इतनी भीड़ होती है ना कॉरिडोर पूरा भरा रहता है बच्चे इधर उधर हमें जगह भी नहीं मिलती है बाहर निकलने की, और क्लास में कोई है नहीं, मैं बैग अकेले I mean खाली छोड़ के आ गई थी तो मैं वापस आ चुकी हूँ। बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, आवाज़ भी बिगड़ी हुई है, तो अभी मैं आई हूँ वॉशरूम में लाइब्रेरी के। सो मैं लाइब्रेरी में हूँ इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पीस चाहिए होता है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, और दूसरी बात कि मैं फ़ोन में से ही पढ़ रही हूँ, मेरे पास कोई बुक रेफरेंस के लिए नहीं है, सो मुझे फ़ोन में से ही पढ़ना है, तो अगर मैं फ़ोन में से पढ़ूँगी तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी, सो वो मेरे पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यार, बस एक और कोई बंदा होना चाहिए था जिसके फ़ोन से मैं वीडियो बना सकूँ बट मेरे पास अभी कोई नहीं है। और हाँ बस ये अपडेट देने के लिए आपको वॉशरूम आई क्योंकि यहाँ पे आवाज़ हम थोड़ी कर सकते हैं वहाँ पे नहीं कर सकते, बिल्कुल पीसफुल है भाई लाइब्रेरी, बहुत मतलब इतना आरामदायक माहौल है ना, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। और अभी तो लग रहा है देख के कि बहुत सारे बच्चे दिवाली ब्रेक के बाद आए नहीं हैं यहाँ पर,
कॉलेज में अपने घर से, तो इसलिए ज़्यादा शांति है। लाइब्रेरी मतलब खचाखच भरी होती है, पर अब आज लाइब्रेरी बिल्कुल खाली है, मतलब बहुत खाली है पहले से। अभी मतलब भरी हुई है पर उतनी नहीं भरी हुई है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो पता लग रहा है कि बच्चे भी आए नहीं है, देखते हैं। भाई अंधेरे में क्लास छोड़ी है, 5:30 हो गए, 5 ही क्लास होती है। यहाँ किसी सोसाइटी का कुछ चल रहा है यार, एक्स्ट्रा क्लास का टाइम हो गया, जो एक्स्ट्रा बच्चे रुकते हैं अपने सोसाइटी सोसाइटीज के लिए, जो मेन क्लास होती है उनका टाइम ओवर हो चुका है। रूम को लॉक करने वाले भैया होते हैं ना, वो भी आ गए कि रूम को मैम लॉक करना है, छोड़ दो। वही मैम छोड़ ही नहीं गई, मैम कह रही मैं तुम्हारा पेशेंस चेक करूँगी। मैंने कि यार आज व्लॉग मैंने शुरू करा है, चलो व्लॉग बनाते थोड़ा बहुत, भाई नहीं टाइम मिला। कि मैम यार मैम छोड़ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या ही कर रही है, पढ़ाई जा रही है पढ़ाई जा रही है। प्रेजेंटेशन था तो प्रेजेंटेशन लिए ही जा रही है, सारे बच्चों की लेके छोड़ी है। और देखो मेरे हाथ में चार्जर है, मेरे फ़ोन में चार्जर लगा हुआ है, मैं पता है मेरे फ़ोन की चार्जिंग लो हो गई है, और मैं वहाँ लगाने की कोशिश कर रही थी बट लगा नहीं पाई, मैम उठने ही नहीं दे रही थी सीट से, तो मेरा फ़ोन भी चार्ज के बिना है। और मुझे घर जाके अब अपना रिसर्च पेपर पे काम करना है पॉलिटिकल थ्योरी की, जिसका कि सबमिशन कल ही है। भाई मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है, भाई मैं क्या करूँ, इतने जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ रहा है। अब भागो घर के लिए, पापा का फ़ोन आ गया 5 बजे कि कहाँ पे है। मैंने कि भाई अभी तो कॉलेज में बैठी हूँ पापा मैं, और अब 5:30 हो चुकी है, 5:30 के भी ऊपर, तो मैं जाती हूँ आपसे घर जाके मिलती हूँ। हमारा कॉलेज शाम के वक्त सुनसान ऐसा दिखता है, भाई अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में ही। कोई कहेगा कितना पढ़ के आ रही है तो अंधेरे में घर जा रही है, अब थोड़ी देर में बस अंधेरा होने वाला है, इतना सुनसान ऐसा लगता है हमारा कॉलेज। सारी क्लासेस घर जा चुकी है, सारी क्लासेस, बस एक सोसाइटी के बच्चे रुके हुए हैं जो मैंने आपको भी दिखाए थे, वो भी सोसाइटी से रिलेटेड वर्क के लिए। क्लासेस के बच्चे तो सारे गए, सब सुनसान भाई। भागे दौड़ी करने के बाद फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। पता है मैं बहुत स्लो स्लो चलती, तो मैं कॉलेज से निकलती क्योंकि मैं थक जाती हूँ मेट्रो स्टेशन तक, बट आज मैं ऐसे भाग के गई थी ना कि बस जल्दी से जो हो रहा हूँ दो भाई, अब तो घर ही पहुँचना है जल्दी से, ये काम करना है भाई मुझे, मेरा कल सबमिशन है, मतलब मेरा सबमिशन नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट का सबमिशन है, ये देखो चिंगी। तो अभी भाई अपने कपड़े वपड़े बाद में बदलूंगी, मैं पहले पेट पूजा करूंगी, मम्मी ने खाना डाल के दे दिया, खा ले पहले कि भाई तू खा ले, सही में कुछ डाल ले। और ये देखिए ये जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, मेरे बीच में वीडियो बंद हो गई थी, तो जब ही ये पढ़ रही होती है, पता नहीं इनके क्लासमेट्स मेरे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे। पता है मेरे को एक मेरी दोस्त कह रही थी कॉलेज में कि तेरी दीदी जब भी तू दिखाती पढ़ती क्यों रहती है, तो मैं नहीं मैं असलियत बताती हूँ, अभी ये ऐसी गिड़िया गिड़िया मार रही थी, पता नहीं अभी पढ़ने लगी, आज मैं भी आई ना तो मेरे को भी शौक लग गया कि कैसे पढ़ रही है। वैसे ये पढ़ती नहीं है, यूजुअली ये पढ़ती नहीं है, हाँ इन्होंने पूरा दिन वेस्ट करा होगा, अभी बैठी होंगी ये मेरे आने से थोड़ी देर पहले। तो ये भाई मैं बता दूं तुमको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पढ़ती नहीं है, ये पूरा टाइम वेस्ट करती है। क्रिकेट का कल इन्होंने बैठ के पूरा कितने घंटे चला, 6-7 घंटे जो मैच चला है पूरा बैठ के देखा है भाई, अपना वर्ल्ड कप है वो तो देख, और भले इनका पेपर हो अगले दिन छोड़ सकते हैं, हाँ भले इनका अगले दिन पेपर हो, हाँ मैंने पेपर वाले, मैं ऐसा जिंदगी में नहीं कर सकती भाई। अगर वो क्रिकेटर्स मतलब हमारे देश के लिए खेले तो हम भी देश के लिए पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे। ओ, एक दिन में क्या उखाड़ लिया तूने, क्या पढ़ा था कल, तूने क्या पढ़ा, मेरा पेपर थोड़ी ना है,
तो मैं कर लूंगी ना हैंडल, मुझे पता हाँ है तो देखो हम ऐसे लड़ते रहेंगे। तो इस ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय। और चावल एक को इग्नोर करना प्लीज। ये तो बता दो दिवाली का व्लॉग बना हुआ था। गाइस दिवाली का व्लॉग बना हुआ था बट वो मैंने एडिट नहीं करा, नमान जी ने एडिट करा भाई, तो वो इसलिए दूसरा डला नहीं। सॉरी गाइस, आप इसी व्लॉग को देख लीजिए, मेरी यूजुअल लाइफ ठीक है। ये भी पता नहीं कब डलेगा, नहीं डल जाएगा, जल्दी दिवाली का डाल दे। तो गाइस कमेंट करके बता देना इस व्लॉग में कि अगर दिवाली का व्लॉग अगर लेट में डालूं और आपको अच्छा लगे तो मैं डाल दूंगी, वरना क्योंकि वरना हम उसको स्किप कर देंगे। वैसे ज्यादा कुछ हमने दिवाली पे करा नहीं था बट जो भी मैंने बनाया, तो कमेंट करके बता देना प्लीज, कमेंट करना। तो बाय बाय।